दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉजिकल टॉक में। दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में आपके सामने एबॉट कंपनी का एक प्रोडक्ट लेकर हैं जिसका नाम है एरासिटॉल, जो कि विटामिन D3 के इंजेक्शन है। ये जो विटामिन D3 के इंजेक्शन है, ये आपकी बॉडी में जो मिनरल होता है जिसको कैल्शियम के नाम से आप जानते हैं, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन आपके डॉक्टर तब आपको देते हैं जब आपको खाने पीने के दौरान सही तरीके से विटामिन डी नहीं मिल पाता है या आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उसकी थिनिंग होने लगती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन डॉक्टर आपको देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोलेकैल्सिफ्रॉल विटामिन डी की जो मात्रा है वो 15 mg यानी 6 लाख इंटेंसिव यूनिट है, और इसमें एराचिस ऑयल भी मिला हुआ है QS। दोस्तों ये अबॉट कंपनी का प्रोडक्ट है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको पूरी तरह से अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना है। अपने डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सुपरविज़न में ही इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये इंजेक्शन आपका डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही आपको इंजेक्ट करेगा लगाएगा, आपको खुद से इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसका बेहतर और अच्छा रिजल्ट चाहते हों तो अपने खाने पीने में भी थोड़ा चेंज करें, अच्छी सी अच्छी डाइट लें जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपको मिल सके, उसके सप्लीमेंट भी लें जिससे कि आपकी बॉडी में हुई कैल्शियम की कमी जल्द से जल्द ठीक हो सके। और दोस्तों जब इसको लेंगे तो आपको जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द होना, रेडनेस होना, सूजन आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कमज़ोरी होना, मांसपेशियों में दर्द होना और मुंह का टेस्ट मेटालिक होने, सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रहे कि ये साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे चले जाएंगे, लेकिन अगर ये साइड इफ़ेक्ट नहीं जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर करें, वो कोई ना कोई तरीका बता देंगे आपको इन साइड इफ़ेक्ट से छुटकारा पाने का। अपने डॉक्टर को अगर आपको ब्लड में कैल्शियम की मात्रा हाई है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, या आप कोई पहले से बीमारी हो, कोई मेडिकल कंडीशन हो, तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। अपने डॉक्टर को अगर आप कोई विटामिन D3 की पहले से मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में बताना ना भूलें। ये इंजेक्शन जब लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट की और साथ ही साथ पॉसिबल एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ती है, जो आपका डॉक्टर आपको कराने को बोलता है। ये विटामिन डी की डिफिशियंसी को कम करता है, साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक करता है। ये दवा जो है, ये इंजेक्शन जो है, बॉडी में जाके विटामिन डी का फॉर्म में बदल जाती है और ये आपकी बॉडी में विटामिन डी को बढ़ाती है, आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर विटामिन डी के लेवल को बढ़ाती है और ये कैल्शियम में बदल के आपकी बॉडी में हुई कैल्शियम की कमी को पूरा करती है और बॉडी में जाके कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती है, जिससे कि खाने पीने के दौरान आपको कैल्शियम मिलता रहे और आपकी बॉडी को आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेना ना पड़े और आपकी हड्डियां भी जो हैं वो मजबूत बनी रहे, उसमें कमज़ोरी ना आए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो इंजेक्शन है, ये विटामिन डी का इंजेक्शन है जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है और हड्डियों को कमज़ोर होने से भी बचाती है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो इस विटामिन डी के इंजेक्शन पे। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, से कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ कहने बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप में से जो लोग हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।